देहात की जिलाधिकारी नेहा जैन और पुलिस अधीक्षक सुनीति ने अकबरपुर गुजराई में बने पुराने तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से बातचीत की और तालाब के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि डीएम ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी जाना। ग्रामीणों ने तालाब के सुंदरीकरण कराए जाने की मांग जिलाधिकारी के सामने रखी। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तालाब का सुंदरीकरण किए जाने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी नेहा जैन को ग्रामीणों ने बताया कि यह तालाब बेहद पुराना है। इसे गांव के सभी लोग स्नान करने व जानवरों को पानी पिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तालाब पुराना होने के बावजूद भी इसका सुंदरीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। अगर तालाब का सौंदर्यीकरण करवा दिया जाए तो गांव के बच्चे, महिलाओं और आदि को एक अच्छा वातावरण मिलेगा। तो वहीं जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की मांग पर तालाब का सौंदर्यीकरण कराए जाने के लिए ग्रामीणों को आश्वस्त किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर तालाब की साफ सफाई व सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, जिससे तालाब पर ध्वजारोहण भी किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।